नमस्कार, मैं आपके साथ हूं संजीव शंकर तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव सास में। सभी विक्रेताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना बिल पेपर के खाद बेचने के सही तरीके से। माना कि आप मशीन पर काम कर रहे थे, तभी अचानक से आपका बिल पेपर खत्म हो जाता है और आपके पास में ऐसी दुकान भी नहीं है जहाँ से आप बिल पेपर खरीद कर लाकर लगा सकें, या फिर आपकी दुकान जो है वो ग्रामीण इलाके में है जहाँ से आपको दूर बाजार जा कर के बिल पेपर लाना होगा। आपका बिल पेपर ख़त्म हुआ है, इससे ग्राहक से कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो खरीदारी करता है तो आपसे बिल की मांग करेगा ही करेगा। अगर आप बिल देने में आनाकानी करते हैं तो वह आप पे शक करेगा कि कहीं आप उसके साथ बिल ना दे करके धोखाधड़ी तो नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपका पुराना ग्राहक है जिसका आप पर विश्वास बना हुआ है तो वह आपकी बात को मान जाएगा और बिना बिल पेपर के लेकर चला जाएगा। इसीलिए हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि बिना बिल पेपर के कैसे सही तरीके से खाद को बेचा जाए, जिससे हमारा ग्राहक भी संतुष्ट रहे और उसका हमारे दुकान पर विश्वास भी बना रहे। हमारी आपकी या हर विक्रेता की यह प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि उसका ग्राहक उससे संतुष्ट रहे और उसकी दुकान पर उसका विश्वास बरकरार बना रहे, जिससे ग्राहक और विक्रेता के संबंध लंबे दिनों तक चल सकें। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ करके दिखाते हैं। यहाँ से तब तक हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे जब तक कि हमारा स्टॉक सामने नहीं आ जाता है। यहाँ से अब जरूरत है ध्यान देने की। हमारा स्टॉक हमारे सामने खुल करके आ गया है और हम इस स्टॉक में से 6 बोरी यूरिया और 1 बोरी इम्पोर्टेड डीएपी की बिक्री करेंगे, जो कि आपको लाल घेरे के अंदर हाइलाइटेड दिख रही है। अब आपको सबमिट कर देना है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जब यह डीबीटी इन फर्टिलाइजर मांगता है, अलाउ द ऐप डीबीटी इन फर्टिलाइजर टू असेस द यूएसपी डिवाइस। यहाँ पर आपको कर देना है इसे। पहले आप ओके करते थे, अब आपको करना है कैंसिल। और आप वापस से देख सकते हैं आपकी बोरी यहाँ पर जो थी वो 26 से अब 20 हो गई है और यहाँ पर 5 बोरी थी, यहाँ पर अब 4 हो गई है। यानी कि आपके ग्राहक को जो आया था वो वापस भी नहीं गया, उसका आधार कार्ड लग गया है और उसे खाद मिल चुकी है। इससे पहले जब आप ओके करते थे तब आपको इस स्क्रीन पर पहुँचा देता था, लेकिन जब आप इसे कैंसिल कर देते हैं तो आपको मेन स्टॉक में पहुँचा देता है, ताकि आप ये देख सकें कि आपने जो खाद बेची है वो यहाँ से मेन स्टॉक से घटा दी गई है। अब आप ग्राहक की संतुष्टि के लिए उसे आप मशीन में भी दिखा सकते हैं कि उसके आधार पर उसको खाद दी गई है और उसका नाम मशीन में एंटर हो चुका है। तो इसके लिए हम मशीन में चलते हैं मॉडिफाई बिल के अंदर। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं मॉडिफाई टू डेज बिल के अंदर। अब हमसे यहाँ ग्राहक का आधार नंबर फिर से मांग रहा है। हम आधार नंबर देते हैं और इसे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करते हैं, बायोमेट्रिक स्कैन देते हैं। अब हमारे सामने ये डिस्प्ले खुल करके आ गई है। इसमें आप ग्राहक का इनवॉइस नंबर देख सकते हैं, ग्राहक का नाम देख सकते हैं और कितने पैसे का बेचा गया है ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ग्राहक को डिजिटल प्रिंटेड बिल नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप अपने कैश मेमो बिल पर माल की बिक्री लिख करके दे दें जैसा कि आप पहले करते थे, और उसके पिछले हिस्से पर डेट, टाइम और इनवॉइस नंबर भी लिख करके दे दें, जिससे आपका ग्राहक बाद में आकर के आपसे डिजिटल प्रिंटेड बिल ले सके और साथ ही साथ आपके दुकान पर यह भरोसा कर सके कि आप बिना बिल के उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट कैंसिल रिसिप्ट की। कैंसिल रिसिप्ट के अंदर कभी भी ग्राहक को बेचे गए माल की कैंसिल की गई बिल प्रिंट को नहीं दिखाता है। अगर आप उस समय इसे चेक करेंगे तो आपको यही रिजल्ट दिखाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंडेड। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हम डिस्पैच आईडी को मैप करते हैं तो अपना स्टॉक देखने के लिए कि वो माल हमारे मशीन के अंदर रिसीव हो गया है, यानी कि हमने जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर की रिसिप्ट को कैंसिल किया है उसे दिखाता है, ना कि ग्राहक के कैंसिल की गई बिल प्रिंट को दिखाता है।
आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।